जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया, इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। लोकसभा का चुनावी शोर अब थम चुका है और 21 दिनों के अंतरिम बेल पर जेल से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने वाले हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम ने एक वीडियो जारी कर दिल्ली की जनता को भावुक संदेश दिया। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी सेहत को लेकर जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया, इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए, मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। यही नहीं, केजरीवाल ने जेल प्रशासन के बहाने इशारों इशारों में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हो सकता है उन्हें पहले से भी ज्यादा प्रताड़ित करें। परसों मैं सरेंडर करूंगा, सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। एक तरफ जहां केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस वीडियो संदेश पर केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि केजरीवाल को गंभीर बीमारी तो है लेकिन वो है झूठ बोलने की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है और मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, वो है झूठ बोलने की बीमारी जिससे वो बाज नहीं आ रहे। उनको पता था उन्होंने जाना है, लेकिन जानबूझकर अपने बुजुर्ग माँ बाप का नाम लेना, झूठी सहानुभूति करने की कोशिश करना, अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना, आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है। सेहत को लेकर खींचतान के बीच केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि उनकी 24 घंटे बिजली, मुफ्त दवा, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस सेवा वाली सेवाएं नहीं रुकेंगी, चाहे वो जेल में ही क्यों ना रहे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा, फिर 4 जून को नतीजे आएंगे, वहीं 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करने वाले हैं। ऐसे में 4 जून को नतीजे क्या आएंगे ये जानकारी केजरीवाल को जेल में ही पता चलेगी। आपको क्या लगता है, वापस जेल जाने से पहले सेहत को लेकर केजरीवाल का ये भावुक संदेश क्या असर लाएगा, ये हमें जरूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।